पर इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर मुरली हैं 9 फरवरी 2024। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने शिव जयंती पर सेवा करने के लिए कहा। शिव जयंती नज़दीक आ रही है तो बाबा ने कहा सबको समझाना है कि शिव जयंती हीरे तुल्य है और शिव जयंती पर सबको निराकार बाप की बायोग्राफी समझानी है। समझाना है जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते हैं वही उनकी जयंती गाई जाती है। इसलिए गीता में भी कहा मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। फिर कहा समझाना है कर्तव्य भी उनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार, तो जरूर कुछ करके गए हैं। महिमा उनकी होती है जो कुछ करके जाते हैं। और आज विशेष बात बाबा ने कही कि तुम बच्चे जानते हो सच्चा सच्चा शिव बाबा का मंदिर वास्तव में यह ब्रह्मा का रथ है जहाँ रचता खुद शिव बाबा बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। फिर कहा कि ज्ञान का विचार सागर मंथन करके बच्चों को शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी है। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटी आदि भी सवेरे बजाते हैं, तो समझाना है शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, अंधेरी रात पूरी होती है, सतयुगी दिन शुरू होता है तब आते हैं। और साथ में बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाकर लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनानी है, राम के मंदिर में भी जाकर उनकी जीवन कहानी सुनानी है। और कहा समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। और आज बाबा ने एडवांस पार्टी के लिए कहा कि जो बच्चे यहाँ से जाएंगे वह अच्छे घर में जन्म लेंगे, जरूर अज्ञानी के घर में जन्म लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म नहीं ले सकते क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण पवित्र होते हैं, बाकी हाँ अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म, फिर वह थोड़ा बड़ा होने के बाद अपना ज्ञान का जलवा दिखाते रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्य को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ, यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। आज मुरली से प्रश्न है तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीपक जलता है अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जगाते लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक आत्मा की ज्योति शिव बाबा के आने से जगता है, इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक की मनाई जाती है उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती हो न सके, बाबा कहते हैं एक व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है, जो सर्वव्यापी है उनकी जयंती कैसे मनाएंगे? बाबा कहे जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे 2024 में 88वीं जयंती, गोया 88 वर्ष हुए जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 28वीं जयंती मनाएंगे, वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते नहीं हैं, तुम उनको बता सकते हो वह है निराकार, उनका नाम है शिव। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर शिव जयंती पर खूब धूमधाम से सेवा करनी है। तुम सालिग्राम बच्चे हो, तुम जानते हो इस शरीर में सालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है, वह है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो
कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है वही उनकी जयंती गाई जाती है, उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब किस घड़ी वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताए तो कहे कि फलानी तारीख, जन्मपत्री आदि इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्मपत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार। बाबा कहते हैं वास्तव में जन्मपत्री तो शिव बाबा की होती नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची जन्मपत्री तो शिव बाबा की है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिमा शिव बाबा की होती है। तो जरूर कुछ करते होंगे, महिमा तो बहुतों की गाई जाती है। नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं, इनकी शिव बाबा की महिमा कोई बता ना सके। तुम समझाते हो वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह तो एक ठहरा ना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते। परंतु कुछ भी समझते नहीं है और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते। नहीं तो पूछना चाहिए, शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए हैं। बहुत भगत लोग हैं, अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी ना बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है रियत प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का अच्छी तरह मालूम पड़ा है, तुमको जितना फकुर रहता है उतना और कोई को नहीं रहता। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी मिसल हैं। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। यह बातें मनुष्य नहीं जानते, उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया। तो यह भी समझाना चाहिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे शिव जयंती पर समझाते हैं, ऐसे जन्माष्टमी पर भी समझाना चाहिए कि उनको ऐसा ऊंच बनाने वाला कौन है। बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का, वहाँ सतयुग में कंस आदि कहाँ से आया। यह सब बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए, समझाने की युक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते, युक्ति युक्त न समझाने से और ही डिसर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो ज़रूर शिव की ही महिमा करेंगे, गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे, और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो ज़रूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाप कहते हैं मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे हुई, उनका कुछ भी वर्णन है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं न वह जानते हैं न वह पूछते हैं, इसलिए तुम बच्चों को ही जाकर सुनाना है। उनकी महिमा तो अपरम अपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कहे बहुत महिमा करते हैं, वह तो भोला भंडारी हैं, वह लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता, उनके लिए तो कहते हैं आँख खोली तो विनाश हुआ, धतूरा खाते हैं, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते। महिमा तो एक की ही होती है, तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं दोनों का अंतर भी तुमको उनके मंदिर में जाकर युक्ति युक्त समझाना है। वहाँ बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहाँ जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्सर सुनकर कोई का माथा ही चकरित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे, तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना, अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएंगी।
एक की महिमा फिर दूसरे से मिल न सके। यह जो मंडप बनाते हैं व प्रदर्शनी करते हैं वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है ब्रह्मा बाबा का शरीर, जहाँ रचता शिव बाबा खुद बैठकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा ने कितनी ऊंची पवित्र बात क्लियर किया कि ब्रह्मा बाबा का शरीर ही शिव बाबा का सच्चा सच्चा मंदिर है, जिसमें चैतन्य में शिव बाबा विराजित हैं। तुम लिख सकते हो रचता के जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे, हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि यह कौन है जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। अर्थात बाबा कहते हैं सिर्फ रचना सृष्टि के बारे में नहीं बताना है, लेकिन रचयिता शिव बाबा आकर पतितों को पावन कैसे बनाते हैं यह भी समझाना है, तब बाबा का परिचय मिलेगा। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे, हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया उन्हों को यह समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप हैं, वो ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजाते हैं, शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, अंधेरी रात नहीं कहेंगे, अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के प्रभात के समय आते हैं, अंधेरी रात नहीं कहेंगे। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं, रात को फिर भी मनुष्य को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं, अर्थात बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में समझाने का समय रात को भी होना चाहिए। सच्ची दीपावली तो यह है, हर एक के घर का आत्मा का दीपक जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जलती है। वह घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है, कौन सा, कि घर घर में हर आत्मा का दीपक जलना, यही है सच्ची दीपावली। कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है, कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि अंधियारा ना हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा ना हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं, यह भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है, अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं है, पितृ आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है, यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो तो कहेंगे हाँ जी, सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। अर्थात बाबा कहते हैं कि जैसे भक्ति में ब्राह्मण के शरीर में आत्मा को बुलाते हैं, यहाँ फिर बाबा को भोग लगाया जाता है और संदेशी के माध्यम से जो एडवांस पार्टी में आत्मा गई हुई है वह उनके शरीर में आकर बात करती है। जैसे दादियों की आत्मा आती है संदेशी में, वह बताते हैं हम बहुत सुखी है, संपन्न है, तो बाबा कहते हैं सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, वह तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म, फिर वहाँ अपना जलवा दिखाते हैं, बल शरीर छोटा है इसलिए बोल न सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं, यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा निकलेंगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते, पूछना चाहिए अगर वह सर्वव्यापी हैं
तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है, सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल। अब वास्तव में अकाल मूरत तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इनमें ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो, पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे, कब हुई, कुछ भी समझते थोड़े ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती हैं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान की गुहिया गुहिया बातें पहले बुद्धि में नहीं आती हैं। बाबा समझाते रहते हैं, समझते जाते हैं, तो बुद्धि में यह सब बातें बैठने लगती हैं। नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़े ही दो बाप का राज समझाते थे, आगे तो जैसे बेबिया थे, अर्थात छोटे बच्चे थे। अभी तो बहुत कहते हैं, बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल, इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं, अर्थात बाबा को छोड़ भी देते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं यह राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया, खलास, मर पड़ा, फिर आते ही नहीं है तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा, या तो प्रजा में आ जाएगा। अर्थात बाबा कहते हैं कई आत्माएं आती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर वापस आते हैं, तो उनमें से कई पुरुषार्थ करते हैं, कई नहीं भी करते हैं, कई अच्छा पद भी पा लेते हैं। यह सब बातें समझानी हैं। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो ज़रूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं। आकर सीखो, जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं, जैसे शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, तो क्या हम ऐसे दूसरों को नहीं समझा सकते? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए, शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे। बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में शिव जयंती बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहाँ जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसी को जचेंगी नहीं, ख्याल में नहीं आएगा, फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं जिनके मंदिर में सेवा करने जाते हैं तो उनकी ही बायोग्राफी बतानी है, उनका ही वर्णन करना है, उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर ही तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे। कृष्ण ही गोरा पावन, कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है? कहते हैं गांवड़े का छोरा। बाबा कहते हैं गांवड़े में तो गाये बकरियां चराते होंगे ना, बाबा फील कराते हैं हम भी गांवड़े के थे, न टोपी न जूती। अर्थात बाबा कहते इतने सिंपल थे। अब स्मृति आती है, हम क्या थे, फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया। तो यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो ही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े, राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे, समझते हैं यह कोई ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ, सबको युक्ति युक्त समझाने दो। दूसरा, अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है, दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। आज बाबा ने वरदान दिया, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखोट अखंड महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखोट अखंड महादानी भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर वन बन जाते हैं। द्वापर से भगत आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह एक सेकंड भी दान के बिना रह नहीं सकते। बाबा ने अखुट अखंड महादानी का भावार्थ बताया कि निरंतर अखंड महादानी सहज सेवाधारी बनना है। बाबा ने इतने अखुट खजाने दिए हैं तो हमारे संबंध संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा एक सेकंड भी खाली न जाए। आज का स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अव्यक्त इशारा है, इशारे का सार है, मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। आज बाबा कहे, कई बच्चे कहते हैं, मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है, लेकिन आप अपने निजी स्व के भाव अर्थात आत्मिक भाव में रहो तो यह देहभान वाला स्वभाव स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। आपके मधुर बोल दूसरों को भी खुश करते और स्वयं को भी खुश रखते। आपकी सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हो। जो भी सामने आए दो घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल लो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। दो घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उसकी सृष्टि को बदल लेंगे। आज बाबा ने दो बातें बताई, एक तो जो हम कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो उसको परिवर्तन कर सदा आत्मा के जो निजी स्वभाव है उसको स्मृति में लाओ तो स्वयं के स्वभाव में स्वतः परिवर्तन आने लगेगा। और दूसरा, बाबा ने कहा कि सदा दूसरों को मीठे बोल द्वारा, मीठी दृष्टि द्वारा, मीठे कर्म के द्वारा व्यवहार में आना है। तो जो भी व्यवहार में आने वाली आत्मा है, वो चाहे कुछ पल के लिए ही आपके साथ क्यों ना हो, लेकिन आपका साथ उसको भरपूरता का अनुभव कराएगा। आपकी मीठी दृष्टि, आपके मीठे बोल सामने वाली आत्मा की सृष्टि बदल देगा, उसके जीवन को परिवर्तन कर देगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।